नमस्कार दोस्तों, तनुश्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक बेस्ट ट्यूब आया है। किस तरह का मॉडल है देखिए, और इसका कंपनी देखते हैं। देखिए ये कंपनी लिखा हुआ है, क्या हुआ है, कोई बात नहीं छोड़िए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये तो कस्टमर बोल रहा है ये ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमने इसको कार से कल ही निकाल के रखा हुआ है, तो इसको देखिए खोलने के लिए हमको जो है अलग तरह का स्क्रू ड्राइवर लेना है। देखिए इसका स्क्रू एलेंग की स्क्रू होता है, तो इसको हम खोलेंगे और पहले इसको खोल के फिर आपको दिखाते हैं इसमें अंदर किस तरह का सर्किट लगा हुआ है। देखते रहिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसको हम रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, पहले हम इसको खोल लेते हैं, उसके बाद ही इसमें लाइन देंगे, ठीक है। देखते रहिए, मैंने इसका जो फ्यूज़ है, ये जो फ्यूज़ है इसको भी हमने चेक किया, ये सही है, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा। ऑन होने से यहाँ पे देखिए इंडिकेटर है, वो हमारा ग्लो करने लगेगा, ठीक है। तो इसको हम पहले इसको खोलते हैं, ठीक है, देखते रहिए। तो इसको खोलने के लिए हमें इस तरह का एलेंकी लेना है, ठीक है। तो इस एलेंकी से ही हम खोल सकते हैं। देखिए ये किस तरह का है, ये कोई स्क्रू ड्राइवर नहीं है, इसको एलेंकी तो दोस्तों हमने इसको पूरी तरह से खोल लिया है। देखिए किस तरह का इधर बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड जो है ये पूरी तरह से, ये जो है हीटसिंग है, ठीक है, ये बोर्ड इस तरह से लगा हुआ है, तो ये ऑन की नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम सप्लाई देंगे, और सप्लाई देने के बाद देखते हैं ये सप्लाई 12 वोल्ट सप्लाई देने के बाद ये किस कंडीशन में दिखता है। ये हमने 12 वोल्ट का इधर एडेप्टर लगा दिया है, इसमें नेगेटिव लग गया, ये दोनों में हमारा पॉजिटिव देना पड़ेगा, ये हमने पॉजिटिव इधर लगा दिया। इसको एक साथ ये लग गया, तो इसमें हम अभी सप्लाई देखते हैं। मीटर हमारा डीसी पे सेट किया हुआ है, तो यहाँ पे देखते हैं। देखिए 12 वोल्ट हमें इधर मिल रहा है, तो ये 12 वोल्ट तो मिल रहा है, लेकिन ये जो इंडिकेटर है ये ग्लो क्यों नहीं कर रहा, ये ऑन क्यों नहीं हो रहा। तो इसमें हम अभी चेक करके देखेंगे, यहाँ पे 12 वोल्ट हमारा जो इन होना चाहिए वो हो रहा है नहीं, ये हमारा नेगेटिव हो गया, ये हमारा पॉजिटिव हो गया। देखिए 12 वोल्ट यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ से एक स्विचिंग वाला कनेक्शन है, इस पर देखते हैं। हमारा बीच वाला पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे देखते हैं कुछ गड़बड़ है क्या। यहाँ पे 12 वोल्ट जाना चाहिए, इस बोर्ड को हम निकाल लेंगे ये वाला, ठीक है। इस पॉइंट पे हमारा रिम कनेक्शन है, ये हमारा रिम कनेक्शन है, ये हमारा 12 वोल्ट है और ये हमारा रिम कनेक्शन है, मतलब बीम बीच वाला, इसमें 12 वोल्ट होना चाहिए। ये पे ग्राउंड पकड़ लिया, यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट है, यहाँ से एक जम्पर है इधर, इसमें 11.11 वोल्ट है, मतलब 12 वोल्ट ही है, और यहाँ से यहाँ पे एक जम्पर है, यहाँ पे देखिए वोल्टेज कितना दिखाई दे रहा है, 8 वोल्ट सप्लाई दे रहा है, 8 वोल्ट के करीब दिखा रहा है। इसमें देखिए
और इसमें देखते हैं वोल्टेज हमारा कम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फिर से देखते हैं, देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा वोल्टेज नहीं जा रहा, यहाँ से जा करके यहाँ पे जाएगा स्विचिंग वाला वोल्टेज, तभी हमारा सेट ऑन होगा। और देखते हैं और एक चीज़ आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो रेजिस्टेंस है दोस्तों ये दोनों टूट चुका है। उसके बाद और एक इधर डायड है, ये भी टूट चुका है। ठीक है, यहाँ पे हम बाद में जाएंगे, पहले हमारा जो यहाँ तक 12 वोल्ट आना चाहिए वो बराबर से आ रहा है नहीं, ये हम इसको खोलेंगे। पहले खोल लेते हैं, इस तरह से इसको प्रेशर देना है तभी खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। यहाँ पे किस तरह का लगा हुआ है देखिए, ये खुल गया है। तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा, ये भी टूटा हुआ है देखिए, 10K का रेजिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक 10K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो यहाँ से हमारा जो है एक डायोड है, डायोड से हो करके एम्पलीफायर तक आता है। इस तरह का देखिए, ये तो निकल गया, अभी देखते हैं ये हमारा नेगेटिव का कनेक्शन है। और नेगेटिव तो आपको समझ में आ गया, ये हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इधर है पॉजिटिव है, ये हमारा दूसरा वाला पॉजिटिव है, मतलब रिम कनेक्शन। यहाँ से एक डायोड है यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से 8 वोल्ट जा रहा है। तो ये 8 वोल्ट कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, दोस्तों देखे ये जो पहला पॉइंट है इसमें हमारा ये वोल्टेज है। ठीक है, जब हम इसको खोल देते हैं, ये कनेक्शन खोल दिया, तो अभी इसमें 12 वोल्ट आ रहा है देखिए। ये देखिए बिना लोड दिए हुए यहाँ पे 12 वोल्ट है, और इसको अगर लोड में दे दिया, अभी देखते हैं 8 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो ये बोर्ड जो है इसमें प्रॉब्लम है, तो इसको खोल लेते हैं। ये हमारा बोर्ड सही है, इसको खोलने के लिए हमको ये जो स्क्रू है इनको खोलना पड़ेगा। ये हमारा हीट सिंक जो लगा हुआ है, ये पे मॉस्फेट और ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, उसका हीट सिंक है, ये खुल चुका है। तो इसको निकालते हैं, ये देखिए किस तरह का है। तो पहले दोस्तों हमको इसमें से जो ये मॉस्फेट है, और यहाँ पे हमारा वोल्टेज बनना चाहिए, उसके बाद ही हमारा ये सेट हमारा ऑन होगा। तो पहले हम जो है ये जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हमने दिखाया आपको टूटा हुआ है, ये रेजिस्टेंस हमको बदलना पड़ेगा, 1, 2 और ये 3 ये डायोड है। ठीक है, तो पहले इनको बदल लेते हैं। इसमें कौन से नंबर का रेजिस्टेंस है, 4.7 के ये दोनों,
ठीक है, और ये हमारा डायोड है 4148, ठीक है। ये तो तीनों पार्ट हम बदल लेते हैं पहले, उसके बाद हम फिर से देखेंगे इसमें ऑन होता है या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों हमने देखिए रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया है, ये दो रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, और यहाँ पे जो डायोड है ये भी हमने निकाल लिया, ये देखिए, ठीक है। ये हमने हमारे पास नया नहीं है, हमने किसी सर्किट से निकाला है, कोई बात नहीं, हमारा काम बनना चाहिए बस। तो ये रेजिस्टेंस जो है इसको बदल लेते हैं, ये रेजिस्टेंस का काम क्या है, ये रेजिस्टेंस हमारा मॉस्फेट को फीडबैक देता है तभी हमारा मॉस्फेट काम करता है, ठीक है। ये देखिए क्या हालत हो गई है, इसका टूट गया है, यहाँ पे हमने दो रेजिस्टेंस को जगह को क्लियर कर लिया है, तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को लगा देते हैं। ये लग चुका है एक का, और दूसरा हम फिर से लगा देते हैं। ये भी इधर निकल गया, तो यहाँ से हम सोल्डरिंग कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। सोल्डरिंग करने के बाद फिर से इसमें लाइन देके देखेंगे, ये हमारा जो प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रहा था ऑन नहीं होने का, वो हमारा सॉल्व हुआ या नहीं। ये भरा हुआ हिस्से को काट देते हैं, लगभग ये हो चुका है। तो इस डायोड को भी चेंज कर लेते हैं, ये प्रोटेक्शन डायोड है, ये निकल गया, बहुत छोटा सा है। और ये हमारे पास दूसरा है, इसको लगा लेते हैं। यहाँ पे एक डायोड है, इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये डायोड थोड़ा काला हो गया है, इसको चेक करने के बाद ही हम लाइन देंगे। शॉर्ट नहीं है, ठीक है, 7.5 वोल्ट का। ये भी देखते हैं,
ये भी शॉर्ट नहीं है। तो हम अभी इसमें थोड़ा सा इसमें लाइन दे करके देखते हैं ये ऑन होता है या नहीं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 10K का, इसको भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये टूट चुका है। ये देखिए, इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने जो जो हमारा ख़राब था वो हमने चेंज कर दिया है। ये दोनों रेजिस्टेंस हमारा ख़राब था, ठीक है, और ये डायोड जो है ये भी टूटा हुआ था। तो इसको हम पहले इसका स्क्रू वगैरह लगा करके उसके बाद ही इसमें लाइन देंगे, क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज का होता है, एक ख़राब होने की चांसेस ज़्यादा होता है। तो पहले इसको हम स्क्रू लगा कर ही इसमें लाइन देंगे और आपका उस आपको इसका परफॉर्मेंस सुनाएंगे। तो पहले इसको फिटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारा लगभग लग चुका है, देखते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि इस चैनल से जुड़े रहने से बहुत कुछ आप लोग सीख सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ चैनल पर, इस चैनल पर डालता हूँ, ये सारे वीडियो जो है ओरिजिनल है, कोई कट वगैरह कुछ नहीं करते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये हमारा बिल्कुल सारा नट वगैरह हमने लगा लिया, इसको अच्छे से कसना होगा, क्योंकि जब भी ये बसता है तो वाइब्रेशन ज़्यादा होता है। तो अगर आप अच्छे से नहीं कसेंगे तो दो तीन दिन के बाद शायद फिर से घूम के आ जाए आपके पास। ये मिनिमम है, तो दोनों को मिनिमम करके ही नोफ को लगा देते हैं। ये हमारा वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसको अभी थोड़ा सा इसमें लाइन दे करके देखते हैं ये ऑन होता है या नहीं। ये हमने इसमें सप्लाई दे दिया, देखिए ये ग्रीन लाइन ऑन हो गया है। तो इसमें हम थोड़ा सा इसमें ऑडियो चेक करेंगे। ये हमारा जो एडेप्टर है दोस्तों, एम्पियर थोड़ा कम एम्पियर है, इसीलिए ये बंद हो जा रहा है। तो इसमें हम थोड़ा आपको साउंड सुनाते हैं, कोई सा भी कॉर्ड लगा करके कोई सा भी ऑडियो आपको सुनाते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए दोस्तों ये होना चाहिए, बैटरी होना चाहिए तभी अच्छा होता है। ठीक है, थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो हमने वीडियो बनाया है कैसा लगा दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों को सीखने को मिलेगा अगर आप शेयर करोगे, ठीक है।